अस्सलाम वालेकुम। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर या एक्सपर्ट नहीं हूँ। ये तमाम मालूमात इंटरनेट और मेरी जाती तहकीक और मुताले पर मबनी है। इस वीडियो को देखने से पहले मेरा आपको मशवरा है, किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट से पहले अपने तौर पर रिसर्च और मालूमात इकट्ठी कर लें। इस वीडियो को देखने के बाद हम आपकी की गई किसी भी इन्वेस्टमेंट के नफा नुकसान चोरी वगैरह के जिम्मेदार नहीं होंगे। ये वीडियो सिर्फ आपकी मालूमात के लिए बनाई जा रही है। तो चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। जी व्यूअर्स, आपका वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल बेस्ट क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने अपनी लास्ट वीडियोज में एटॉमिक वॉलेट से रिलेटेड पूरे कोर्स को कवर कर लिया है। तकरीबन ऑलमोस्ट 20 वीडियोस बनी है एटॉमिक वॉलेट से रिलेटेड, जिसमें मैंने आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। आपने इंस्टॉल कैसे करना है, विड्रॉल कैसे करना है, डिपॉजिट कैसे करना है, प्राइवेट की को इंपोर्ट कैसे करना है और वहां से प्राइवेट की फाइंड कैसे करनी है, मतलब इन सारी चीजों की इंफॉर्मेशन जो एटॉमिक वॉलेट से रिलेटेड है वो मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में दे दी है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने नए वॉलेट का रिव्यू। उसका नाम है एक्सोडियस वॉलेट। जी, एक्सोडियस वॉलेट जो है वो भी बेसिकली एटॉमिक वॉलेट की ही तरह। जब हम इसमें अकाउंट क्रिएट करते हैं, इसके अंदर भी हमें 12 फ्रेसेस मिलते हैं और ये डिसेंट्रलाइज है। एटॉमिक वॉलेट में आप दूसरे वॉलेट को भी इम्पोर्ट कर सकते हैं, प्राइवेट की को भी इम्पोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद डिपॉजिट का तरीका मैं आपको इसमें बताऊंगा, विड्रॉल का तरीका बताऊंगा और आपने इसको ज़्यादा सिक्योर बनाना वो कैसे आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन जो है मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में अब दूंगा। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि हम एक्सोडियस वॉलेट की वेबसाइट में से जाके इसको जो सॉफ्टवेयर है, जो एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कैसे करेंगे और अपने सिस्टम में इंस्टॉल कैसे करेंगे। अगर तो वीडियो लंबी नहीं होगी तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि आज की ही वीडियो में आपको बता दूँ कि आप जो है एक्सोडियस वॉलेट में अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे। अगर तो वीडियो लंबी हो जाएगी, 10 मिनट से ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो को हम नेक्स्ट पे जो शिफ्ट कर लेंगे, हम ट्यूटोरियल नंबर 1 ये बना देंगे और सेकंड नंबर जो हम कल बना दूंगा, जिसमें आपको फिर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि एक्सोडियस वॉलेट में आपने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, उसके फ्रेसेस सेव कैसे करने हैं, मतलब फाइंड कहाँ से करने हैं और प्रॉपर तरीके से जो एक वे होता है अकाउंट बनाने का वो आपने किस तरह से यूज़ करना है। तो अभी चलते हैं हम एक्सोडियस वॉलेट को इंस्टॉल करने की तरफ। सबसे पहले तो हमने वेबसाइट को ओपन करना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको वेबसाइट का ओवरव्यू दे देता हूँ। आपने जाना है गूगल पे, ठीक। गूगल पे जाके आपने सर्च बार में आ जाना, यहाँ पे लिखना है एक्सोडियस, EXODUS, एक्सोडियस, ठीक है। एक्सोडियस का जो ऑथराइज जो वेबसाइट है .io है, ठीक है। एक्सोडियस, वैसे आप एक्सोडियस भी लिखेंगे ना, यहाँ पे देखिए एक्सोडियस लिखें, यहाँ पे आपके सामने सबसे पहले वही वेबसाइट आई, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपने इस चीज़ का खास ख्याल करना है एक्सोडियस IO, क्योंकि कुछ ऐसी साइट्स होती हैं जो फिशिंग होती हैं। फिशिंग से मुराद क्या, मैं इसको पहले भी डिफाइन कर चुका हूँ अपनी लास्ट वीडियो में। जैसे exodius.com यहाँ पे आ जाता है तो मतलब ये फिशिंग साइट है, किसी हैकर ने सेम इसी जैसी साइट बनाई है, बस उसका जो डोमेन नेम है वो चेंज कर दिया एंड वाले वर्ड। मतलब इनका जो ऑफिशियल है वो exodius.io है, लेकिन अगर किसी ने exodius.com बना दी, मतलब कि उसने फिशिंग की है। आप जो भी पुट करेंगे डाटा उस वॉलेट में या उस साइड में, तो वो आपका हैक हो जाएगा और आपका बैलेंस सारे का सारा ज़ाया हो जाएगा। तो आपने इस चीज़ का खास ख्याल करना है, जब भी किसी वॉलेट को यूज़ करने लगे हैं तो उसमें आप देख लें कि इसकी ऑफिशियल जो है वेबसाइट है जहाँ से आप वॉलेट को डाउनलोड कर रहे हैं। तो अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो मुझे यकीन है कि आपकी अमाउंट को कुछ भी नहीं होता, आप सेफ रहेंगे। अब यहाँ पे देखें, एक्सोडियस वाला डाउनलोड दी बेस्ट क्रिप्टो वॉलेट फॉर डेस्कटॉप, मोबाइल, डेस्कटॉप के लिए और मोबाइल के लिए। हमने इस पहले लिंक को क्लिक कर दिया। अब ये जगह हमने जब पहले लिंक को क्लिक किया तो हमारे पास exodius.io, हमारे पास ये वेबसाइट ओपन हो गई है, ठीक है। एक्सोडियस क्रिप्टो वॉलेट है ये बेसिकली, और यहाँ पे अगर आप स्टार्ट में देखें, सेंड रिसीव एक्सचेंज क्रिप्टो इजी ऑन द वर्ल्ड लीडिंग डेस्कटॉप मोबाइल हार्डवेयर क्रिप्टो वॉलेट, मतलब इनके जो है ना डेस्कटॉप वॉलेट भी है, मोबाइल वॉलेट भी है और हार्डवेयर वॉलेट भी है। अब ये नीचे ये इसका इंटरफेस है, बेसिकली जब हम अपने सिस्टम इंस्टॉल करेंगे तो एक्सोडियस वॉलेट का ये इंटरफेस हमारे पास आएगा। अब हम थोड़ा सा और नीचे जाते हैं, अ न्यू वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो एप्स। ये क्रिप्टो एप्स रिलेटेड भी इनकी डी एप्स हैं, इसके बारे में इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको ना आने वाले वीडियोज में इंफॉर्मेशन दूँ। लाइव चैट एंड पोर्टफोलियो बिल्ट इन एक्सचेंज, 24 ह्यूमंस सपोर्ट भी है इनकी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये 100+ इन्होंने क्रिप्टो करेंसी असर दी है। जैसे एटॉमिक वॉलेट में हमने हमारे पास 300 थे, तो इसमें 100+ क्रिप्टो करेंसी हम जो है सपोर्ट होती हैं। वो कौन कौन सी है, सारी करेंसीज के लोगोज और आइकन्स बने हुए हैं। अगर आप लिस्ट देखनी है तो हम अगर लिस्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास लिस्ट भी आ जाएगी, फिर हम वापस बैक पे आ जाएंगे।
ठीक है, ये मैंने इसको क्लिक कर दिया। अब ये यहाँ पे लोड कर रहा है, यहाँ पे इसकी सारी जो लिस्ट आ जाएगी, जो स्पोर्ट करेंसी है इनके पास वो सारी लिस्ट आ जाएगी। अब ये देखें कौन कौन से कर रहे हैं, बिटकॉइन, एथेरियम, थेटर, चेन लिंक, XRP, कार्डेनो, स्टेलर, उसके बाद लाइट कॉइन, बिटकॉइन कैश, बाइनेंस कॉइन, यूनिस्वैप, USD कॉइन। मतलब ये देखें तकरीबन जो टॉप के सारे कॉइन है ना, टॉप के सारे कॉइन है वो तकरीबन ये जो है ना जो अपने पास रन कर रहे हैं, इनके पास ऑपरेशनल है इनके जो वॉलेट में। ये देखिए अंदर काफी सारे कॉइन्स हैं जिनको हम यूज भी करते हैं, क्योंकि टॉप 20 कॉइन भी इसमें ऑलमोस्ट सारे के सारे अवेलेबल हैं। ये वाले टॉप 20 कॉइन्स है ना, ये सारे के सारे अवेलेबल है। अब वो बता रहे हैं कि जी मोबाइल भी इसमें सपोर्ट क्या क्या करते हैं, डेस्कटॉप भी वर्जन में, ट्रेजर भी है, सेंड रिसीव भी कर सकते हैं, एक्सचेंज भी कर सकते हैं। मतलब ये ऑपरेशनल है इनके सारे वॉलेट्स, जिसकी लिस्ट आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। हम अपनी जब वीडियो इसमें इंस्टॉल करेंगे तब भी हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से, क्योंकि जब हमारे पास इंटरफेस आएगा तो हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब आपको ये भी पता चल गया मैनेज क्रिप्टो करनी हो मोबाइल में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। मोबाइल का भी इंशाल्लाह मैं एक चीज सोची हुई है, क्योंकि अभी मैं दे रहा हूँ डेस्कटॉप वॉलेट से रिलेटेड सारे रिव्यू। जब ये मेरे डेस्कटॉप वॉलेट से रिव्यू खत्म हो जाएंगे, जैसे मैंने एटॉमिक का दिया आपको, उसके बाद मैंने बिटकॉइन कोर वॉलेट का दिया, अब मैं एक्सोडियस का दे रहा हूँ, इसी तरह आगे और भी वॉलेट्स का रिव्यू दूंगा वो डेस्कटॉप वॉलेट का, और मोबाइल वॉलेट से इनके बाद शुरू करूंगा। फिर मोबाइल वॉलेट से रिलेटेड भी जो मैं आपको प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन दूंगा, अगर आप मोबाइल वॉलेट भी यूज करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब ये पूरी इनकी जो है वो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे अगर आपने और इन्फॉर्मेशन लेनी तो आप इसको प्रॉपरली रीड कर सकते हैं सारी की सारी को। ठीक है, अभी वक्ती तौर पे तो हम क्या कर रहे हैं, हमने सबसे पहले सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना अपने सिस्टम में। वो हमने कहाँ से करना है, यहाँ पे देखें आपके पास तीन ऑप्शन आ रही है, ये प्रोडक्ट्स हैं। अब हम जब प्रोडक्ट्स को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें डेस्कटॉप वॉलेट, मोबाइल वॉलेट, ट्रेजर हार्डवेयर वॉलेट। अभी मोबाइल वॉलेट तो हम यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि मैं तो यूज़ करूँ सिस्टम डेस्कटॉप वॉलेट, मेरा लैपटॉप है तो मैं डेस्कटॉप वॉलेट ही यूज़ करूँगा। लैपटॉप के लिए डेस्कटॉप वॉलेट, मोबाइल के लिए आप मोबाइल वॉलेट पे यूज क्लिक करेंगे। लेकिन अब हम कर रहे हैं क्लिक डेस्कटॉप वॉलेट पे। अब मैं डेस्कटॉप वॉलेट पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद देखें डेस्कटॉप कंट्रोल, सिक्योर इंजीनियरिंग इनसाइड, ब्यूटीफुल डिजाइन, इट टू इजी मैनेज योर क्रिप्टोकरेंसी। ठीक है, अब यहाँ पे आपने अगर अपनी क्रिप्टोकरेंसी को सेव करना है, मैनेज करना है, तो ये एक अच्छी जो है एप्लीकेशन है, पर मैं रिकमेंड नहीं करता आपको कोई भी एप्लीकेशन किसी भी वॉलेट के बारे में, क्योंकि ये एक फाइनेंशियल एडवाइस हो जाएगी, तो वो मैं देना नहीं चाहता। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट को यूज़ कर सकते हैं या करना चाह रहे हैं, क्योंकि खल को खुदा न खासा सो इशू आ जाता है तो फिर वो आप फिर ये कहेंगे जी आपने सर कहा था कि ये वॉलेट यूज़ करो। तो मैं इसलिए किसी वॉलेट को जो है रिकमेंड नहीं करता, सिर्फ ये बताता हूँ कि हाँ ये वॉलेट थोड़ा सिक्योर है। जैसे मैंने कॉइनबेस से रिलेटेड बताया, कॉइनबेस जो है वो नॉन कस्टोडियल है, सॉरी कस्टोडियल है, और ब्लॉकचेन नॉन कस्टोडियल है। जो कस्टोडियल वॉलेट होता है उसका हमें कुछ भी नहीं मिलता, ना प्राइवेट की मिलती है, ना 12 फ्रेसेस मिलते हैं, और ना कोई और चीज़, मतलब जैसे 24 फ्रेसेस मिलते हैं। लेकिन जैसे ब्लॉकचेन, अब ब्लॉकचेन के हमें 12 फ्रेसेस मिले, हमने एटॉमिक वॉलेट का पूरा रिव्यू किया, उसके भी हमें 12 फ्रेसेस मिलते हैं। अब हम एक्सोडिस वॉलेट का रिव्यू करें, इसके भी हमें 12 फ्रेसेस मिलते हैं। मतलब अगर आपके पास प्राइवेट की या 12 फ्रेसेस है तो आप अपने वॉलेट को कहीं भी इम्पोर्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, अब आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह कोशिश करूँगा एटॉमिक वॉलेट को एक्सोडिस में भी इम्पोर्ट करवाऊंगा, एक्सोडियस को एटॉमिक में इंपोर्ट करवाऊंगा, और ब्लॉकचेन को भी कोशिश blockchain.com का जो वॉलेट होगा उसको एक्सोडियस वॉलेट में भी इंपोर्ट करवाऊंगा, क्योंकि हमने एटॉमिक वन तो इंपोर्ट किया हुआ है, लेकिन एक्सोडियस में भी करवाऊंगा। ठीक हो गया, अब हमारे पास ये आ गया डाउनलोड वॉलेट, हमने इसको क्लिक कर देना है। अब इसको मैंने जब क्लिक किया, यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑप्शन क्या आ रही है। सबसे पहले हमारे पास डेस्कटॉप की आ रही है, दूसरी मोबाइल की, और नीचे ट्रेजर की। ठीक है, अभी हम जो है सिर्फ यूज़ क्या करें, सिर्फ यूज़ करें हम डेस्कटॉप वॉलेट, हम डेस्कटॉप वॉलेट को जो है यूज़ करना चाहिए। लेटेस्ट रिलीज 15 जनवरी 2021, 15 जनवरी को इनका लेटेस्ट जो है वो रिलीज हुआ डेस्कटॉप वॉलेट एप्लीकेशन। वैसे अपडेट होती रहती है साथ साथ, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अभी इनका चल रहा है वर्जन 2.21.1.15। ठीक है, अब इसको हम क्लिक करेंगे। अब जब हमने इसको क्लिक किया, यहाँ पे देखें डाउनलोड विंडो ऐप, डाउनलोड मैक ऐप, डाउनलोड लिनक्स। अगर आप तो मैक यूज़ कर रहे हैं एप्पल, तो आप ये लिंक को यूज करेंगे। अगर आप लिनक्स यूज कर रहे हैं तो आप इसको यूज करेंगे। अभी मैं सिंपल लैपटॉप विंडो यूज कर रहा हूँ, ठीक है, विंडो 10 यूज कर रहा हूँ, तो मैं विंडो पे क्लिक करूंगा और इस वर्जन को डाउनलोड करूंगा। मुझसे पूछ रहा है ये डाउनलोड करना है, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ पे देखें ये भी डाउनलोड होना शुरू हो गया। तकरीबन 112 MB की जो है ये एप्लीकेशन है,
ये आपके इंटरनेट पे डिपेंड करता है कि कितने देर में डाउनलोड करता है। अगर तो आपका इंटरनेट बड़ा हाई स्पीड है तो फिर तो विद इन वन मिनट कर देगा। तो अगर आपका नेट स्लो है, जो आपका कनेक्शन है इंटरनेट का स्लो है, तो वो थोड़ा सा टाइम ले लेगा। अभी तकरीबन एक मिनट ले रहा है, एक मिनट के अंदर जो है ये तकरीबन इंस्टॉल डाउनलोड कर लेगा। उसके बाद फिर मैं आपको प्रॉपर तरीका बताऊंगा कि आपने इसके अंदर अपने सिस्टम में इंस्टॉल कैसे करना है। तो वीडियो हमारी जो है वो थोड़ी सी लंबी है, और ये कोशिश मेरी है कि मैं अभी आपको सिर्फ ये डाउनलोड करने के बाद बता दूं कि आपने इंस्टॉल कैसे करना है। जब इंस्टॉल हो जाएगा तो इंशाल्लाह मैं कल की वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि आपने जो है इसमें अकाउंट को कैसे क्रिएट करना। अकाउंट क्रिएट करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन बस आपने दो तीन चीज़ों का ख्याल करना होता है। अगर वो आप चीज़ें सेफ रखते हैं तो कल को अगर आपको अपना अकाउंट रीस्टोर रिकवर भी करना पड़ जाता है तो आप उन चीज़ों से अपने अकाउंट को रिकवर और रीस्टोर भी कर सकते हैं। तो कई यूजर ऐसे भी होते हैं मुझे कहते हैं कि सर हमने हमारे पास ना हमारा पासवर्ड है सिर्फ अकाउंट का, हमारे पास 12 फ्रेसेज नहीं है और ना हमारे पास प्राइवेट की है, तो हम अपने अकाउंट को कैसे यूज करें। तो एक चीज समझ लें कि अगर आपके पास 12 फ्रेसेज नहीं है और प्राइवेट की नहीं है तो आप अपने वॉलेट को कतई तौर पर भी इम्पोर्ट नहीं कर सकते। वो इसलिए कि आप एक चीज को सोचें ना कि अगर आप किसी का भी एड्रेस ले लेते हैं, उसके एड्रेस में सपोज बिटकॉइन पड़े हैं 2 BTC या 4 BTC या 10 BTC पड़े हुए। अब आप कहें जी कि मुझे उसकी प्राइवेट की मिल जाए और उसके मुझे जो है वो मैं उसको इंपोर्ट कर लूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। अगर जिसका वो वॉलेट होगा उसके बाद उसकी प्राइवेट की होगी या उसके वॉलेट से रिलेटेड 12 फ्रेसेस होंगे तो उसको इंपोर्ट कर सकता है। लेकिन अगर आपके पास 12 फ्रेसेस भी नहीं है, प्राइवेट की भी नहीं है, तो भाई आप अपने वॉलेट को दोबारा रिकवर नहीं कर सकते। ये आप अपने माइंड में रख लें बात को। पासवर्ड हो जाता है, पासवर्ड की कोई इशू नहीं, क्योंकि आपको अगर 12 फ्रेसेस और प्राइवेट की है तो उसको आप इंपोर्ट कर सकते हो, नया पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। तो इन चीजों को आपने ख्याल में रखना है। अब हमारे पास देखें सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है, मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। मैं ब्रीफली इसलिए बताता हूँ हर चीज, कुछ लोग शायद इरीटेट होते हैं कि मैं बहुत ही ब्रीफली बता देता हूँ। मैं ब्रीफली इसलिए बताता हूँ, कुछ लोग नए होते हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं पता क्रिप्टो से रिलेटेड, तो मैं कोशिश करता हूँ कि प्रॉपर तरीके से उनको समझा सकूँ। जो आप जब नए नए आते हैं तो आपको कई चीजों का नहीं मालूम होता और बहुत सारी मिस्टेक कर जाते हैं, तो मैं डिटेल में इसलिए बता देता हूँ ताकि चलो जिसको नहीं समझ आ रही वो प्रॉपर तरीके से उसको समझ लें। तो जब आपको थोड़ा थोड़ा करके समझ आना शुरू होता है तो आपको फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आपको प्रॉपरली पूरे वॉलेट्स की समझ आ जाती है। तो इसीलिए मैं ब्रीफली वीडियो बनाता हूँ, तो आप इस चीज़ का थोड़ा सा वो ना किया करें। कुछ यूजर्स कहते हैं सर आपकी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, कोशिश मैं करता हूँ शॉर्ट करने की, लेकिन वो जब मैं डिफाइन कर रहा होता हूँ तो फ्लो में, तो मेरी कोशिश होती है मैं जितना बता सकूं उतना बता सकूं आपको बता दूं ताकि आपको इसमें कोई इशू ना हो। अभी मैंने जो है वो डबल क्लिक कर दिया एक्सोडिस वॉलेट को, तो अभी ये मेरे पास इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ दोबारा। मैं अभी ये देखें ना ब्राउज हो रहा है, क्योंकि मेरे सिस्टम थोड़ा लोड ज़्यादा, वॉलेट्स इंस्टॉल हुए हैं, मैंने रिव्यू देना होता है, रिकॉर्डिंग करनी होती है, तो इस वजह से थोड़ा टाइम ले जाता है। लेकिन अभी आप देखें इंस्टॉलिंग शुरू हो गई है एक्सोडिस वॉलेट की, अब ये इंस्टॉलिंग हो रहा है। पहले हमने क्या किया, वेबसाइट पे गए, वहाँ से हमने जाके वॉलेट को डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद सेटअप हमारे पास जब आ गया तो हमने इसको डबल क्लिक कर दिया। डबल क्लिक करने के बाद क्या किया हमने, अपना जो है एक्सोडिस का वॉलेट जो है वो इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। थोड़ा सा टाइम लेता है, थोड़े से टाइम में जो है ये वॉलेट हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। ऑलमोस्ट 30 से 35 सेकंड लेता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो अभी ये इंस्टॉल हो रहा है, जैसे ही मुकम्मल इंस्टॉल होता है मैं आपको बता देता हूँ कि इंस्टॉल होने के बाद हमारे पास एक इसका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो अभी हम इसका करते हैं वेट। अब ये देखें आपके पास लिखा एक्सोडियस हैज बीन इंस्टॉल्ड, यू कैन रन इट बाई क्लिक द शॉर्ट कट ऑन योर डेस्कटॉप और इन द ऐप मेन्यू। उन्होंने कहा जी आपके पास जो है आपका एक्सोडियस इंस्टॉल हो गया, ठीक है, आप उस आइकॉन पे क्लिक करें, उसको ओपन करें। लेकिन खैर वीडियो जो है वो लंबी हो रही है व्यूअर्स, तो आज की वीडियो मैंने आपको बता दिया कि आपने सेटअप कैसे करना है, बेसिकली एक्सोडियस वॉलेट को उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो कौन सी है, डाउनलोड कैसे करना है, आपने अपने सिस्टम इंस्टॉल कैसे करना है, ये प्रॉपर तरीके से आपको समझ आ चुकी होगी। तो एक्सोडियस वॉलेट से रिलेटेड आप नहीं आने वाले वीडियोज को लाजमी आपने देखना ताकि आपको प्रॉपरली इसकी समझ आ सके। कल की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि आपने एक्सोडियस वॉलेट में अकाउंट को कैसे क्रिएट करना है। तो मिलते हैं अपनी कल की वीडियो में, लेकिन वीडियो स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। तो मिलते हैं कल की अपनी नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।